The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Neonatal weight gain or nutrition में premature बच्चा हो या फिर mature भी हो, अगर बच्चे का weight सही नहीं है तो आपको कुछ बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसका वेट आगे बढ़ा पाएँ. अगर बच्चा 37 वीक्स से पहले पैदा हुआ है तो वो प्री मेच्योर है और उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स थोड़ी सी ज़्यादा है, डिफरेंट है अगर बच्चा 38 वीक्स के ऊपर पैदा हुआ है, राइट. और बहुत सबसे ज़रूरी जो बेसिक चीज़ है वो है वॉर्म रखना. बच्चे को वॉर्म रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की जो एनर्जी है वो कम यूटिलाइज होगी अगर उसे खुद अपना शरीर गर्म नहीं करना पड़ेगा. तो उसको इंक्यूबेटर या वार्मर, स्पेशल वार्मर में रखा जाता है छोटे बच्चों को, ताकि उनका जो शरीर है उतना एनर्जी यूटिलाइज, उतनी एनर्जी जनरेट वार्म करने में ना करे. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और मॉइस्ट एयर चाहिए ताकि वो ड्राई ना हो जाए और फ्लूइड लॉस ना हो. ये सबसे बड़े दो बेसिक आपको समझना ज़रूरी है कि वार्म रखना होता है बच्चों को एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और शरीर को मॉइस्ट रखना होता है, नहीं तो फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन होगा. फिर देर कैन बी फीडिंग इशूज. जो बच्चे 34 से 37 वीक्स के बीच में पैदा हुए हैं उनको प्रॉब्लम होती है बॉटल या ब्रेस्ट से फीड लेने में. सो दिस इज़ बिकॉज वो इतने मेच्योर नहीं हुए हैं कि वो सकलिंग या ब्रीदिंग और स्वॉलोइंग, ये तीनों चीज़ों को एक साथ कर सके कि मुझे सक भी करना है, साथ में ब्रीद भी करना है, फिर स्वॉलो भी करना है. वो इतने मेच्योर नहीं हुए हैं. तो इसीलिए जो बच्चे जिनको न्यूनेटल न्यूबॉर्न एबिलिटी नहीं होती है तो उनको और भी वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये और भी कारणों से आ सकती है. मान लो बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लेवल लो है, कोई भी सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो भी खाने पीने में प्रॉब्लम होगी. और जो बहुत छोटे हैं, बहुत वेट कम है, तो भी ऐसा कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है तो भी है, तो फिर उनको कुछ टाइम के लिए जो आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, फ्लूइड आईवी यानी इंजेक्शन लगा के उनको न्यूट्रिशन देना पड़ जाता है. और जब वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, थोड़े बहुत उनका हेल्थ बढ़ता, तब फिर उनको मिल्क फॉर्मूला या जो भी चीज़ है वो दी जाती है. कई बार नाक से पेट में ट्यूब डाली जाती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिससे कि उनको यही मिल्क या फॉर्मूला दिया जाता है ताकि वो उनकी ग्रोथ हो पाए सही से, उतना दूध, उतना फॉर्मूला ले पाए कि वो मैच्योर हो पाए, वो बड़े हो पाए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर बच्चों को और कॉम्प्लिकेशन जैसे नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट. और ये बात याद रखिए, ह्यूमन मिल्क यानी आपका खुद का मदर का दूध आपको प्रोटेक्ट करता है नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस जैसी बीमारियों से, इंटेस्टाइन की बीमारियों से. सो जो लोग नहीं प्रीमैच्योर है वो लोग बच्चों मदर्स मिल्क और बॉटल फीड दोनों में से कोई ना कोई ले सकते हैं. मदर्स मिल्क इज ऑलवेज बेटर, राइट. प्रीमैच्योर बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सा मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग, राइट. क्योंकि बॉटल इज लिटिल हार्ड टू कंट्रोल, राइट. एंड मदर का इज लिटिल बेटर, ठीक है. ये अलग चीज़ होगी. न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है अभी बात करते हैं. प्री मेच्योर बच्चे जो होते हैं इनको वाटर बैलेंस में सबसे प्रॉब्लम होती है बच्चों के बॉडी के अंदर. तो वो डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड या ओवर हाइड्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो इनके केस में प्री मेच्योर बच्चे ज़्यादा पानी लूज कर सकते हैं उनके रेस्पिरेशन से, सांस के साथ और स्किन के साथ. सॉरी. तो और किडनी भी प्री मेच्योर बच्चों में पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई होती है कि वो कंट्रोल कर सके वाटर लेवल को बॉडी के अंदर. सो इसीलिए आपको आईसीयू में रख के जब ये कितना यूरिन आ रहा है, कितना वेट हो रहा है डाइपर का, ये तक गिना जाता है और पानी कितना पी रहे हैं बच्चे, कितना निकाल रहे हैं, उसका बैलेंस रखा जाता है. इसके साथ ब्लड टेस्ट भी मैंने बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ना हो, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स के देखने के लिए. ह्यूमन जो मिल्क होता है, मदर का मिल्क होता है, वो बहुत अच्छा होता है और
जितना लो बर्थ वेट उतना उस उतना ही अच्छा। ह्यूमन मिल्क बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकता है, मदर का मिल्क प्रोटेक्ट कर सकता है कई सारी बीमारियां जैसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस और कई सारी बीमारियों से। और अगर नहीं है तो डोनर मिल्क भी लिया जा सकता है मिल्क बैंक से, दूसरी मदर्स का जो मदर उतना ब्लड दूध नहीं बना पा रही, या फिर फॉर्मूला फीड किया जा सकता है। फॉर्मूलाज आते हैं जिसमें एडेड कैल्शियम प्रोटीन्स होते हैं जो एडिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है प्री मेच्योर बच्चों का उनके लिए ज़रूरी है। और जो ओल्डर है, जो ओल्डर यानी लेटर प्री मेच्योर बेबीज़ है 34, 35, 36 वीक्स वाले, उनको रेगुलर फार्मूला या फिर सिंपल रेगुलर ट्रांजिशनल फार्मूला पे रखा जा सकता है। जो लोग बहुत ब्रेस्ट मिल्क पे दिया जाता है जिनको, उनको वो ब्रेस्ट मिल्क से उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा आयरन, कैल्शियम, विटामिन मिल जाते हैं और ऐसे में उनकी हेल्थ देखी गई है कि ज़्यादा जल्दी वेट गेन होता है। तो वेट गेन की बात करें तो जब वेट गेन पे होता है तो बच्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। प्री मेच्योर बच्चों को डेली उनका वेट लिया जाता है आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू में। बेबी पहले कुछ दिनों में वेट लूज करेगा, ये बात याद रखो। सो पहले कुछ दिनों में बच्चे का वेट लूज होगा और ये ज़्यादातर वाटर वेट होता है और उसके बाद फिर वेट गेन होना शुरू होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और मोस्ट प्री मेच्योर बच्चे जो होते हैं वो गेनिंग वेट गेन शुरू करते हैं कुछ दिनों के बाद, पैदा होने के कुछ दिनों के बाद। और जो डिज़ायर्ड वेट है कि इतना वेट चाहिए, वो डिपेंड करता है बच्चे के साइज़, जेस्टेशनल एज पे, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि भी कई बच्चे जो है 5 ग्राम वेट पर डे गेन कर सकते हैं और कई 20 से 30 ग्राम भी वेट पर डे गेन कर सकते हैं। सो इसमें कोई मेजर, इसमें डिपेंड करेगा केयर कितनी अच्छी है और बच्चे का वेट, बच्चे का बाकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इन जनरल बच्चे का वेट गेन होना चाहिए 30 ग्राम्स एवरी डे, यानी कि जितना भी 30 ग्राम पर डे होना चाहिए, यानी या फिर बोल सकते हैं दैट इज गुड एवरेज रेट ऑफ वेट गेन जो होता है इस उम्र में 30 ग्राम्स ईच डे फॉर एवरी पाउंड, एवरी पाउंड या आधा किलो या फिर 15 ग्राम पर केजी पर डे। ऐसा मैंने कहा बच्चा 2 किलो का है तो 15 ग्राम पर केजी, यानी 2 किलो के ना 30 ग्राम पर डे गेन होना चाहिए वेट। तो 15 ग्राम पर केजी पर डे वेट गेन होना चाहिए, ये जनरल आइडिया है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर देर इज सम इश्यूज, फीडिंग प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। प्री मेच्योर बेबी को इसीलिए जब तक उनका वेट स्टेडीली ग्रो करते नहीं रहता, जब तक वो पूरी चीज़ें उनकी खाने पीने की क्षमता खुद से नहीं आ जाती, उनको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं की जा सकती या इनक्यूबेटर से नहीं निकाला जा सकता। हॉस्पिटल का इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन है कि बच्चे को प्रॉपर वेट होना चाहिए प्रॉपर घर जाने से पहले। इन जनरल बेबी को एटलीस्ट 2 किलो का होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 किलो का बच्चा तो होना चाहिए, यानी 4 पाउंड का, बिफोर जो उनको इनक्यूबेटर से निकाला जा सके। और उसके बाद घर भेजने के लिए डिपेंडिंग अपॉन बाकी हेल्थ कंडीशन डिसाइड किया जाता है, डॉक्टर से बात करके डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई अब आपका बच्चा घर जाने के लिए रेडी है। सो ये हुआ वेट गेन का प्रॉब्लम जो स्पेशली होता है न्यूनेट्स में, न्यूनेटल वेट गेन प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर वेट गेन प्रॉब्लम एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, बेसिक्स।